That you do these all questions in daily life also. Okay, keep ready your pen, pencil, and whatever you have, and your notebook also, because you have to write also. Okay, bache, all set already? So we are going to start module 3. Bache, sit down, open your module and notebook. We have module two. I will read the question. Okay, MCQ questions are first, but still you have to do little calculation also. Okay, first question is, a train is moving at a uniform speed of 68 kilometer per hour. Please read in the sheet. आप लोग शीट में रीड करोगे, जब मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ आप लोग शीट में देखोगे और इसको 68 किलोमीटर पर आवर को अंडरलाइन करोगे. बेटा, एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड. आर यू लिस्निंग टू मी? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, अब प्लीज अंडरलाइन 68 किलोमीटर पर आवर, इसको आपने यूज करना है. And how far will it go in 15 minutes? Oh, both of you? I mean both the sections. Okay. You have module 2. Module 2 you have not done? Bottom? Not done? No or yes? I can't hear you. Done. So where is module 3? Okay, let me ask module 3. Just a minute, just a minute. I'll let you know. विनु मैम 1 मिनट. बच्चों के पास मॉड्यूल 2 है एंड दे हैव डन इट ऑलरेडी, तो मॉड्यूल 3 नहीं है अभी इधर से. हाँ, तो क्वेश्चंस ऐसे मतलब. ओके थैंक्स. ओके बच्चे, ऑल राइट, ऑल ऑफ यू, मॉड्यूल 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड आई विल रीड द क्वेश्चन ऑल्सो, सो यू विल बी राइटिंग क्वेश्चन ऑल्सो इन शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. So module 3 is question number 1. It is, a train moving at speed of, can you see the board all of you? Very good. A train is moving at a speed of 68 kilometers per hour. Okay, what do you mean by per hour? It means कि एक घंटे में 1 hour में वो 68 किलोमीटर ट्रेवल करती है. How far will it go in 15 minutes? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि ट्रेन 15 मिनट्स में आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितना मूव करेगी. ठीक है, आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, एंड आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी. अभी नहीं लिखना कुछ भी, अभी कुछ नहीं लिखना. आई विल टेल यू व्हाट टू राइट. ओके बच्चे, सी यहाँ पे आपको टू थिंग्स आर गिवन. 1 hour में इट इज मूविंग 68 किलोमीटर, देन 15 मिनट्स में हाउ फार इट विल गो. तो आपको दो चीजें गिवन है, डिस्टेंस और टाइम. डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करोगे, डिस्टेंस और टाइम को. आपको गिवन है कि डिस्टेंस जब 68 किलोमीटर था तो टाइम आपके पास 1 hour था. ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग कि टाइम आपके पास 15 मिनट्स है, तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस. ठीक है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो. आप लुक एट ओनली दिस टेबल कि हमें दो चीजों में से, ठीक है, क्या क्या पता है. पहले हमें पता है कि डिस्टेंस जब 68 किलोमीटर था तो टाइम वाज 1 hour. सेकंड केस में दे आर आस्किंग कि अगर 15 मिनट्स में हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर. ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रही है
कि जब हम ये वाले यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहले उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सबकी डिस्टेंस टाइम इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट इज इन आर, दिस इज इन मिनट्स, तो हम क्या करेंगे, आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, डू यू नो? या 60, वेरी गुड, सबको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, अनदर थिंग, ये चीज आपको समझ आ गई कि हमारे यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। ऑल राइट, नाउ हाउ टू राइट द स्टेटमेंट, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, फाइन। जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 68 किलोमीटर। दिस वॉज गिवन कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 68 किलोमीटर। ओके, अभी मैंने इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 मिनट्स, कैन आई राइट 1 आवर इनटू 60 मिनट्स? 1 आवर और 60 मिनट्स एक ही बात है ना, इज इट और नॉट? यस, रेज योर हैंड, वेरी गुड, एवरीबडी नोज कि 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में 68 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो हमें कितने का निकालना है, 15 मिनट्स में, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 मिनट्स विल बी इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 15। अब बच्चों इसमें पता है क्या, यहाँ पे आपने जैसे 15 का निकालना है ना, तो पहले हम 1 का निकालते हैं, क्योंकि आपकी अभी छोटी क्लास है, 6th क्लास है, आप पहली बार यूनिटरी मेथड क्वेश्चंस कर रहे हो, तो सबसे पहले जो गिवन होता है 60 मिनट्स में 68 किलोमीटर, तो पहले 1 मिनट का निकालेंगे, जब 1 मिनट का निकालना है तो 68 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 68 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। हमने किसका निकालना है, 15 मिनट्स का, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स विल बी 68 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 15। सो दिस इज द कैलकुलेशन जो हमें परफॉर्म करनी है। इज इट क्लियर टिल हियर? यहां तक समझ आ गया? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, क्योंकि आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जो गिवन है पहले उसको लिखना है, फिर 1 के लिए निकालना है, डिवाइड करना है, फिर जो रिक्वायर्ड है, जो भी उन्होंने पूछा है, जो क्वेश्चन है उसको लिखना है, उसको हमने जो हमने पिछले स्टेप में डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेशन यहां पे अभी डिवाइड करना है पूरा, इसको काटना है और इसको फाइनल आंसर निकालना है। यू नो हाउ टू कट इट अप एंड डाउन, कैसे ऊपर नीचे काटते हैं नंबर्स को? प्लीज ट्राई इट, डू इट, वेरी गुड, आई विल आस्क यू आंसर, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। वेरी गुड, जो कर लेगा सबसे पहले, मैं आई विल आस्क द नेम, किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आई विल आस्क द नेम, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एवरीबडी कैन डू। यस, वेरी गुड, मैं करूं आपके लिए अगर आपको नहीं आता? सबसे पहले आपको दिख रहा है बेटा 15 है, 60 है, आप सबसे छोटा टेबल पहले 2 का टेबल लगा सकते हो, ठीक है। 2 की टेबल इसका मैं यहाँ पे काट रही हूँ, आपको दिख जाएगा यहाँ पे बड़ा बड़ा मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे आप 2 का टेबल स्टार्ट करो, 2 के टेबल से यहाँ पे आएगा 30, इधर क्या आएगा 3 एंड 4, 3 2 6 एंड 4 2 8, ओके, एंड देन यू विल कट इट बाय 3 एंड दिस बाय 5, 10 3 30, 5 3 15, ओके, एंड व्हेन यू विल कट इट 2 5 5 1 5 5 2 10, एंड यू नो दीज आर ऑल्सो इवन नंबर, इवन नंबर हमेशा 2 से जाता है, तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 1 2 1 2 2 7 2 14। देखो कितनी अच्छे से कटिंग हो गया, और जब भी आपने कटिंग करनी है प्लीज आपने थोड़ी खुली स्पेस में करनी है, ओके,
आपने 4 लाइंस कम से कम छोड़नी है इसकी कटिंग के लिए, ताकि ऊपर नीचे जहां भी आप कटिंग कर रहे हो टीचर को क्लियर दिखना चाहिए कि कौन सा टेबल आपने यूज किया है और कौन से नंबर से आप काट रहे हो। सी माई नंबर्स आर वेरी वेरी क्लियरली विजिबल, इज इट और नॉट? आप देख पा रहे हो इसको अच्छे से? वेरी गुड। तो आपका भी ऐसे थोड़ा थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, डिस्टेंस पे लिखना है आपने। और इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 17। सो आंसर इज 17 किलोमीटर्स, विच इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, पहले अभी शॉर्ट फॉर्म में इनको क्वेश्चंस को लिख लो। डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको बेटा सारे क्वेश्चन जितने भी आपके यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल बनाना है कि कौन सी टू थिंग्स आपको गिवन है, यू हैव टू राइट हियर, उनमें से कौन सी चीज मिसिंग है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर आपने स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है डिस्टेंस, उसको आपने राइट साइड पे यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट में। इज इट क्लियर टू ऑल? क्योंकि हम राइट साइड पे वो नंबर लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? और जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पहले 1 के लिए निकालते हैं, फिर हम प्रॉपर रिक्वायर्ड नंबर के लिए निकालते हैं जो हमें निकालना होता है। ठीक है, मैं इसको रब करूं बेटा, क्लीन कर दो। ओके, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ओके, फिर मैं आपको उसका टेबल बना के बताऊंगी कि क्या क्या गिवन था इसमें और क्या हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, अ शर्ट कैन बी स्टिच्ड यूजिंग 5 मीटर क्लॉथ। शर्ट कैन बी स्टिच्ड, एक तो शर्ट की बात हो रही है और ऊपर क्लॉथ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स। हमें ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी साइड पे लेंथ ऑफ क्लॉथ। बेटे आई एम राइटिंग इट फॉर यू, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं है ना, मैं इसलिए इसको मेरे को टेबल ये बताना पड़ेगा ऊपर, ताकि आपको बताने के लिए कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके बच्चे, तो दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो नंबर ऑफ शर्ट्स की बात हो रही है और दूसरा लेंथ ऑफ क्लॉथ की बात हो रही है। तो दे आर सेइंग अ शर्ट कैन बी, अ शर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ शर्ट? इसका मतलब कितने नंबर? यस, एक शर्ट को कितना मीटर कपड़ा लगता है? 5 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, और यहाँ पे नंबर में हम लिखेंगे 1 शर्ट। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 9 शर्ट्स। अब हमें दिया हुआ है 9 शर्ट्स और दे आर आस्किंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया मेरा। ठीक है, ये टेबल पहले तो आप लिखो यहाँ पे। Have you found the answer? Okay. मेरे को सबसे पहले तो स्टेटमेंट चाहिए कि स्टेटमेंट क्या लिखी है। ठीक है, चले आस्क, आई वॉन्ट टू आस्क देवांश, मेरे को स्टेटमेंट चाहिए सबसे पहले कि स्टेटमेंट क्या लिखी है आपने। वेरी गुड, दोबारा बोलो बेटे। फोर यस, वेरी गुड, आंसर इज ऑल राइट। मेरे को स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट क्या लिखी है आपने? ओके ओके गुड, सिट डाउन। दे आर आस्किंग, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखनी है हमें ना, लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड आउट करना है, तो उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। तो आप लिखोगे कि 1 शर्ट रिक्वायर्स कितना लेंथ कपड़ा चाहिए उसको? रिक्वायर्स 5 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो अभी तो ये पहले से 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली 9 का हम लिख सकते हैं इसमें। 9 शर्ट्स रिक्वायर 5 × 9 मीटर क्लॉथ। ठीक है, 5 × 9 मीटर। अभी पता है क्या बेटा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1 ही था, वो 1 से ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो हमें 9 के लिए निकालना है, ज्यादा के लिए निकालना है। जब हम मोर चीज निकालते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब लेस करते हैं, लेस चीज के लिए कुछ निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं।
इज इट ओके? तो हियर वी आर मल्टीप्लाइंग, सो आंसर विल बी 9 × 5 = 45, 45 meter क्लॉथ. एवरीबडी नोज द टेबल, यू नो 5 टेबल, यू नो 9 टेबल ऑल्सो. यस, वेरी गुड. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और थोड़ा ये हाफ क्वेश्चन हो गया है, पिछले क्वेश्चन से हाफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें दो ही स्टेटमेंट में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. डिवाइड तो करना ही नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई क्यों किया है, हु विल टेल मी? चहक चहक, आई वॉन्ट टू आश यू कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, प्लीज काम. वेरी गुड, यस. यस, वेरी गुड. माउथ अपने नीचे रखो, स्पीकर के सामने रखो. हाँ बोलो, आप बोलो. व्हाई? बिकॉज हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी, और ज्यादा की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ज्यादा शर्ट्स की, ज्यादा शर्ट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ा. ओके बच्चे, चलो, गॉड ब्लेस यू, प्लीज गो बैक. वेरी गुड, फाइन. लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन. शैल आई रब इट बेटा? फाइन, वेरी गुड. बेटा जब आपको वर्कशीट मिल जाएगी ना, मॉड्यूल मिल जाएगा, तब भी ऐसे टेबल बना के करना. टेबल बना के हमारा कुछ मिस नहीं होती है टर्म बाय मिस्टेक, ठीक है? टेबल बनाने से क्या है कि आपकी एक क्वेश्चन की समरी बन गई है आपके सामने. सारा का सारा क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिख लिया, अभी बार बार आपको शीट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इज इट फाइन बेटे? और गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन आई एम रीडिंग. ध्यान से क्वेश्चन सुनो. इफ 12 फ्लावर पॉट्स कॉस्ट ₹156. अभी मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ मैं इतना ही पढ़ती हूँ और मैं टेबल बनाना शुरू करती हूँ. मेरे को दिया हुआ है कि 12 फ्लावर पॉट्स. फ्लावर पॉट्स पता है सबको क्या होता है? यस, सबको पता है. ये तो घर में भी हम यूज करते हैं, स्कूल में भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा मैम की ऑफिस में, कभी कभी क्लासरूम में भी. तो फ्लावर पॉट्स जो है, 12 फ्लावर पॉट्स की कॉस्ट हमें दी हुई है ₹156. तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या, टेबल के फॉर्म में मैं क्या लिखूंगी, फ्लावर पॉट्स एक जगह पे, और दूसरी जगह पे मैं लिखूंगी मनी कॉस्ट. कॉस्ट कॉस्ट मतलब रुपीज, ठीक है? अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में फ्लावर पॉट्स और कॉस्ट की बात हो रही है. ओके बेटा, तो फ्लावर पॉट्स मेरे पास कितने हैं, 12. मेरी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन जो है मेरी क्वेश्चन की, वो क्या कह रहे हैं कि 12 फ्लावर पॉट्स की जो कॉस्ट है वो है ₹156. ओके, व्हाट डू 28 फ्लावर पॉट्स कॉस्ट? 28 फ्लावर पॉट्स है अभी मेरे पास, उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और आपका टेबल कंप्लीट हो गया. जो जो उन्होंने पूछा है वो हमने सब कुछ अपने सामने लिख लिया. इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपको ये लगेगा नहीं कि आपके पास शीट नहीं है, सारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया. ओके बच्चे, अभी अभी आपके पास, आपको मैंने बार बार हर एक क्वेश्चन में मैं सेम ही चीज बता रही हूँ कि स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको ये देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्लावर पॉट्स या फिर कॉस्ट? जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमने राइट साइड पे लिखना है, ठीक है? तो मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ 12 फ्लावर पॉट्स इज इक्वल टू ₹156. जो चीज मेरे को गिवन थी मैंने सबसे पहले उसको लिख लिया, ठीक है? एंड देन कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट इज इक्वल टू, जब 1 का निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड. तो आई विल डू इट 156 डिवाइडेड बाय 12. बस लिखना है उसको, कोई काटना नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज उसको लिख देना है बस. इफ एनीबडी हैज डाउट टिल हियर दे कैन स्टैंड एंड आस्क मी. रेज योर हैंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग. और अगर सबको समझ आ रहा है, रेज योर हैंड एंड से यस वी आर अंडरस्टैंडिंग.
एक्सेलेंट, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। अभी हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है, 28 की, कॉस्ट ऑफ 28 फ्लावर पॉट्स। आपको पता है बेटा यहाँ पे हम ये डैश डैश डाल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इनका ये वाले साइन का मतलब क्या होता है? यस यू नो कि जो ऊपर लिखा है सेम का सेम नेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है 156 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 28। पहले हमने 1 के लिए निकालना था, कम के लिए निकालना था तो डिवाइड किया, अभी हमें ज्यादा के लिए निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बेटा, सो लेट अस डू इट। अब इसको काटना पड़ेगा। ओके इसको कट करके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको काट के मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। यू नो एवरीबडी नोज टेबल कौन सा यूज करना है, इवन नंबर है तो 2 का टेबल यूज करो, ऑड नंबर है तो 3 का टेबल यूज करो, 5 का टेबल यूज करो, ठीक है बेटे, यू नो इट। अभी नंबर्स आपके सामने हैं, जो जो नंबर आपने जो भी ट्राई करना है, कोई स्टूडेंट 3 से स्टार्ट करेगा, कोई स्टूडेंट 2 से स्टार्ट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, ठीक है। यू नीड नॉट बॉदर कि मेरी फ्रेंड तो इससे कर रही है तो मेरे को किससे करना है, ठीक है। जो जो टेबल आपको आता है 2 का 3 का जो भी आता है स्टार्ट करो, डोंट कॉपी, एक दूसरे को देखना नहीं है, डू योर ओन वर्क। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, वेरी गुड। बॉयज प्लीज, आई नो यू नो हाउ टू डू इट। यस वन गर्ल इज रेजिंग हर हैंड, लेट मी कॉल द नेम, जपनीत कौर इज देयर, प्लीज कम। यस आ गया, के बताओ। यस वेरी गुड, कौन सा टेबल यूज किया आपने? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन फ्लावर पॉट, यस वेरी गुड, ओके टेल मी व्हाट इज दैट। ₹13। ऑल राइट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 28 आल्सो। फाइंड 13 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके डू इट, वेरी गुड वेरी गुड, डू इट। आपने पहले इसका आंसर निकाल लिया और अभी इसका निकालना है ना, हैव यू फाउंड दिस आंसर आल्सो? ओके व्हाट इज आंसर देन, 364। 364। यस व्हेन यू कट इट एंड फाइंड इट, अब चाहे आप 2 से स्टार्ट करो चाहे आप 4 से स्टार्ट करो, जिस जहां से मर्जी शुरू कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 364। अभी मैंने इसको बेटा काटा नहीं है बिकॉज सब स्टूडेंट्स का अपना अपना मेथड होता है, कोई 2 से स्टार्ट करेगा कोई 4 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे पूरा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नंबर आ जाएगा ₹364। ओके तो उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट डू 28 फ्लावर पॉट्स कॉस्ट, तो आप लिखोगे कॉस्ट और फाइनल आंसर क्या लिखोगे इसका। इसमें बेटे आपको फाइनल आंसर भी लिखना होता है लास्ट में, जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, राइट द फाइनल स्टेटमेंट ऑल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ 28 फ्लावर पॉट्स इज इक्वल टू ₹364। ओके बेटा, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन प्लीज राइट द फाइनल स्टेटमेंट ऑल्सो, कि जो पूछा गया था उसका आंसर हमने देना है। मेरा पर्स तो देखो, बाकी पर्स तो देखो, मैं बंद रखती हूँ, आइडिया रहेगा ना। वन एक मिनट, ठीक है बच्चे, शैल वी स्टार्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। वेरी गुड, चलो फिर से मैं टेबल बनाऊंगी कि मेरे को आपकी आपकी हेल्प करनी है ना, टू नो द क्वेश्चन। ओके अब आपने बेटा नोटिस किया, ये यूनिटरी मेथड में आपको एवरी क्वेश्चन में टू टू थिंग्स की बात होती है हमेशा, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, ठीक है फाइन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, सब लोग ध्यान से सुनोगे फिर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगी। ऑन अ मैप 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 66 किलोमीटर्स, आपके ज्योग्राफी की बुक में, ओके सेटल डाउन फर्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, या वेरी गुड। आपके बड़े ज्योग्राफी की बुक में जो मैप्स बने होते हैं
ठीक है, मैप्स में आपको कितना कुछ दिखाया होता है, उसमें इंडिया का अगर मैप है उसमें आपको दिखाया होगा कि दिल्ली कहाँ पे है, लखनऊ कहाँ पे है, आगरा कहाँ पे है, होते हैं अलग अलग जगह बताई होती हैं। अब वो एक ही पेज के अंदर जो छोटा सा आपका मैप बना होगा इतनी सी प्लेस में, उसको उसके बीच में सारी चीजें सब चीजें दिखा देते हैं मैप के अंदर, है ना। इतने बड़े बड़े जो डिस्टेंस होते हैं उनको छोटे से मैप में एक्सप्रेस कर देते हैं। और वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो बता देते हैं कि अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं डिस्टेंस यहां से यहां तक, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है वहां पे 100 किलोमीटर्स, ऐसे बता देते हैं। वो स्केल ले लेते हैं एक, ये आपने इमेजिन करना है कि अगर मेरा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर के इक्वल है। इमेजिन कर लेना उसको, मतलब कि आपने गेस कर लेना बैठे बैठे कि अच्छा इतना दूर है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है ऑन अ मैप, मैप की हम बात कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 66 किलोमीटर, कि अगर आपके पास एक स्केल के ऊपर अगर 66 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो उसको हमने क्या इमेजिन करना है, उसका कितना डिस्टेंस इमेजिन करना है, 66 किलोमीटर्स। ओके बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे टेबल क्या है, में क्या 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 दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप इज 80 सेंटीमीटर, देन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे यहाँ पे बात हो रही है सेंटीमीटर और किलोमीटर्स की, सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स की, क्योंकि अभी हम मैप की बात कर रहे हैं। मैप में हमारा कंपैरिजन किसका हो रहा है, सेंटीमीटर का किलोमीटर से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। दे आर सेइंग कि अगर 6 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर, तो तब आपका क्या शो करेगा, 66 किलोमीटर, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन में दे आर सेइंग इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑन द मैप इज 80 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे 80 सेंटीमीटर हो तो आपका कितना किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा, दे आर आस्किंग, ठीक है। ये आपका टेबल बन गया। वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर एंड किलोमीटर्स, इज इट क्लियर। ओके, तो अभी हमें किलोमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं या राइट साइड पे, राइट साइड पे। ओके, हमारी सारी कैलकुलेशन आपको पता है यहाँ पे राइट साइड पे होती है जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम राइट साइड पे रखेंगे। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे 66 सेंटीमीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स 66 किलोमीटर्स। पहले तो जो गिवन था हमने उसके बारे में लिख दिया, फिर हम 1 के बारे में निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट क्या करेगा, 66 डिवाइडेड बाय 6। कई बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दो। उसका रीजन क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी कि वाई, कि अभी हमने इसको डिवाइड नहीं करना है। तो अभी हमने 80 सेंटीमीटर के लिए करना है, तो 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 6। अभी क्या लिखना है आगे, लेट मी आस्क, मेरे को समय पता चलेगा कि किसको कितनी समझ आई है। गुरनीत कौर 6B, गुरनीत कौर आर यू देयर, यस वेरी गुड। आगे आके बताओ मेरे को कि अभी मैं यहाँ पे कौन सा साइन डालूंगी 80 के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई, या वेरी गुड, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 80, वेरी गुड। गो बैक, गो टू योर सीट, डू द कैलकुलेशन। अभी हम सारी कैलकुलेशन बेटा इधर ही करेंगे, इसी यहाँ फाइनल में आके करेंगे। वाई हमने यहाँ क्यों करनी है, क्योंकि हमें एक और नंबर मिल गया जिसके हम नंबर काट सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही नंबर थे, 66 और 6, और वहां पे हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा लगना था। जब हम यहाँ पे तीनों को इकट्ठा काट रहे हैं, इकट्ठा अप एंड डाउन या फिर क्रॉस में काट रहे हैं, तो हमारा टाइम सेव भी हो रहा है, ठीक है बेटे। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता ना, तो हमने थोड़ा सा उसको मैथमेटिक्स में क्या करना होता है, लिखना ज्यादा होता है और थोड़ा स्मार्टली काम करना होता है कि अभी हम कहाँ पे कट करें कहाँ पे नहीं करें और कहाँ पे जरूरत है उसकी करने की। ओके बेटे, तो इसको सॉल्व करो, सबको पता है कैसे काटते हैं। 2 का टेबल लगाओ, 3 का लगाओ, 6 का लगाओ, जो भी आपकी मर्जी है।
ठीक है, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, आपको करने दो, आई विल आस्क द आंसर. वेरी गुड. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. वेरी गुड. कई बच्चे कर रहे हैं अभी, आई विल वेट फॉर देम. वेरी गुड, वेरी गुड, डन. वेरी गुड. लेट मी कॉल द नेम. आई वॉन्ट टू आस्क जसमीत. इसके बाद मैं बॉयज से भी पूछूंगी, मेरे को पता है बॉयज भी दे आर ऑल्सो रेजिंग देयर हैंड. जसमीत विल टेल मी कि इसको काट के आंसर क्या आया है. दोबारा बोलो बेटे. आई कांट हेयर यू बच्चे, थोड़ा लाउडली बोलो. माइक को हाथ पे पकड़ लो, उसको ना हाथ पे पकड़ लो या फिर नीचे बैंड होके बोलो. यू हैव नॉट डन इट. ओके, गो बैक, इट्स ओके, फाइन, गो बैक बच्चे, डू इट. लेट मी आस्क गुरमुख ऑफ सिक्स्थ ए. वेरी गुड, मुझे लगता है आपने कर लिया है कैलकुलेशन, और बाकी बच्चे अपना करते रहेंगे. मैं तो अभी किसी को भी बुला सकती हूँ. ऑल राइट, या वेरी गुड बेटा. नीचे माइक की तरफ देख के बोलो, मुझे नहीं देखना. यस, टेल मी व्हाट इज आंसर. मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी. 880. वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी बच्चों ने भी हाथ खड़े किए हुए, एक में सबने निकाल लिया 880. तो 880 किलोमीटर इज द आंसर, जो आपका फाइनल स्टेटमेंट है. और अब आपने, मैंने आपको बताया था कि एवरी क्वेश्चन में आपने फाइनल आंसर भी लिखना होता है, ये नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ दो. राइट द फाइनल आंसर कि डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 880 किलोमीटर्स. ठीक है, बेटा अभी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, सेम टाइप के हैं. एनी डाउट, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग. हैव यू अंडरस्टूड बच्चे, प्लीज रेज योर हैंड इफ इफ यू वांट टू आस्क, क्योंकि आपके पास मॉड्यूल भी नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन क्या था और हमने आंसर कैसे किया है. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं सिर्फ टेबल बनाऊंगी, सॉल्व आप घर पे करोगे. यू नो व्हाई, बिकॉज आई नो कि आपको सब समझ आ गया है. तो इसका टेबल बना के मैं आपको हिंट दे दूंगी, देन यू विल डू एट होम. क्वेश्चन इज, अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स. ठीक है, तो आप अभी मेरे को बताओ क्योंकि टेबल में ऊपर हेडिंग क्या आना चाहिए. इफ आई एम सेइंग अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स, टेबल के ऊपर हेडिंग क्या लिखूं मैं, क्या क्या किस किस की बात हो रही है फर्स्ट सेंटेंस में. यस, आई कैन सी गर्ल्स रेजिंग देयर हैंड्स. आ जाओ, दोनों में से कोई भी आ जाओ, या कोई भी आए, नहीं बट यू कैन कम एंड टेल मी ऊपर हेडिंग में क्या लिखे टेबल में. यस एंड आवर्स. यस, वी कैन राइट किलोमीटर एंड आवर्स. हम किलोमीटर्स एंड आवर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड. तो अभी हमें जो गिवन है नंबर्स, वो मैं बता रही हूँ आपको कि अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स. ठीक है, 3 आवर्स, इट इज मूविंग 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 912 किलोमीटर. 912 किलोमीटर के लिए दे आर आस्किंग अस हाउ मेनी आवर्स. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, इसकी स्पेस छोड़ दो एंड डू एट होम. एंड आई एम गिविंग यू हिंट, इसका हिंट है कि आंसर इज 12 आवर्स. ये दिस इज योर हिंट, जब आप घर पे सॉल्व करोगे यू कैन मैच इट. 12 उसका आंसर आना चाहिए. इज इट क्लियर? वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लो और इसकी स्पेस छोड़ दो, देन यू कैन डू एट होम.
ओके या वेरी गुड। ओके नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चंस। हैव यू नोटेड एवरीबडी? ओके वेरी गुड। असर्शन रीजन क्वेश्चंस इन दिस ये पहले भी बेटा किए हैं ना असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ये इन क्वेश्चंस में क्या करते हो, कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा असर्शन रीजन क्वेश्चंस में क्या करते हो? चलो मैं बताती हूँ आपको। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आपने पहले किए हैं ये वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस पिछली वर्कशीट्स में? ओके असर्शन रीजन क्वेश्चंस बेटे कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि इनमें आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। जो भी चीज आप चैप्टर में पढ़ रहे हो उसके बारे में कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप ट्रू या फॉल्स बताते हो कि ये जो आंसर है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 पेंस इज ₹20 देन कॉस्ट ऑफ 5 इज व्हाट। आई एम रिपीटिंग, आई एम राइटिंग ऑल्सो हियर, मैं यहाँ पे रफ में भी लिख रही हूँ। क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 2 पेंस, 2 पेंस की कॉस्ट है ₹20। ओके एंड दे आर आस्किंग कॉस्ट ऑफ 5 पेंस, कि दे आर आस्किंग कि इज इट 50, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। आपने तो बहुत फास्ट कर लिया, आप ओरल भी कर लेते हो क्वेश्चंस, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, आई मस्ट क्लैप फॉर यू ऑल, एक्सेलेंट। अगर ये कैलकुलेशन आप कर रहे हो ओरली, इट मीन्स यू कैन डू अदर्स ऑल्सो, वेरी गुड। योर ब्रेन इज वेरी फास्ट एंड यू आर वर्किंग वेरी फास्ट। और ट्रू फॉल्स में जनरली फास्ट काम करना होता है ना, क्योंकि हमने जल्दी से कैलकुलेशन करके ये बताना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो एसर्शन है वो ट्रू है, ठीक है। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट रीजन, कि अभी वो रीजन क्या दे रहे हैं इसका स्टेटमेंट का, कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। इस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि अगर हमने 5 के पेंस की कॉस्ट निकालनी हो तो पहले हम 1 की कॉस्ट निकालेंगे। इज इट ट्रू और योर फॉल्स? ट्रू, आपको पता है ना यूनिटरी मेथड में हम यही करते हैं। यूनिटरी का नेम ही इसलिए पड़ा है कि पहले हमने 1 की कॉस्ट निकालनी, उसके बाद आगे की निकालनी, ज्यादा की निकालनी है। तो शैल आई राइट इट ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। अब दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, ए बी सी या डी? जो ए स्टेटमेंट है आंसर इज ए, ठीक है। इसको लिख लो आप ऐसे, जब आपको शीट मिलेगी आप इसको मैच कर सकते हो। ए का मतलब है कि उसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं, ओके। ए का मतलब है, ए जो स्टेटमेंट होती है उसका मतलब होता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है ए। सेकेंड क्वेश्चन assertion, assertion का मतलब कि हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। नेहा अर्न्स ₹136 इन 4 days। अभी ये मेरे को ना छोटा सा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। नेहा अर्न्स ₹364 इन 4 days, 4 days में उसको रुपीज मिलते हैं 136, देन हर अर्निंग इन 30 days विल बी, तो उसके 30 डेज में कितनी अर्निंग होगी ₹1020। टेल मी ट्रू या फॉल्स, जल्दी से रफ में कैलकुलेशन कर रहो, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, रफ में कैलकुलेशन कर लो कि 4 डेज में अगर ₹36 है, 136 है, तो 30 डेज में कितनी होगी, 1020 होगी या नहीं?
वेरी गुड। आई एम वेटिंग फॉर यू। कर लो कैलकुलेशन आराम से। प्लीज डू इट अगेन, फोर दोबारा करो। 4 days में अगर 136 है, 30 में कितनी होगी? किसने बोला 2? प्लीज स्टैंड अप, आई वॉन्ट टू सी यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज ट्रू। जिन्होंने फॉल्स किया है प्लीज दोबारा से इसको चेक करना। ओके बेटे, आपने क्या करना है, 136 डिवाइडेड बाय 4 into 30, ये कैलकुलेट करना है। जब आपने इसको काट के कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया ₹1020। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन ऑल ऑफ यू जो खड़े हैं। वेरी गुड, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको जो असर्शन दिया हुआ था वो है ट्रू। सेकंड इज, नेहाज अर्निंग पर डे इज ₹32। नेहा की एक दिन की जो अर्निंग है, अभी जो यहाँ पे आपने निकाला नेहा के बारे में, तो एक दिन की कितनी है, ₹32। एक दिन की कितनी होगी, 136 by 4 ना, इसको कैलकुलेट करो जरा, 32 आ रहा है। वन डे अर्निंग कितनी आ रही है उसकी, 34 आ रही, लेकिन इन्होंने तो हमें 32 दी हुई है, तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स, वेरी गुड, ये फॉल्स होगा। पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, दूसरी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन कौन सी मैच करेगी, ए बी सी डी या ई? सी, सी विल मैच, क्योंकि सी में वो कह रहे हैं कि ए ट्रू है और रीजन उसका फॉल्स है। जब एक ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है तो हमारी सी ऑप्शन मैच करती है उसके साथ। सी को टिक मार्क कर लो, ठीक है। जब आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, मॉड्यूल मिल जाएगा, देन यू कैन डू इन दैट। ओके बच्चे, चलो वेरी गुड, नोट डाउन हो गया सबका, चलो वेरी गुड। लेट अस डू नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सेम वे में है जैसे हमने पहले किया था। ओके, तो लेट अस डू इट। ये इसका क्वेश्चन क्या नाम है, केस स्टडी। केस स्टडी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन बताएगा मेरे को? अब आपका केस स्टडी क्वेश्चंस है। केस स्टडी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? केस स्टडी में आते हैं स्टोरी सम्स, ठीक है। स्टोरी सम्स जैसे होते हैं ना, स्टोरी सम्स समझते हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। या वेरी गुड, सुमित परचेज अ न्यू कार विच ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स। सुमित ने एक न्यू कार खरीदी, उसकी ट्रेवलिंग दी हुई है कि वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है 3 आवर्स में। तो पहले तो मैं इसको लिख लूँ जरा यहाँ पे ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और टाइम की, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड टाइम। अभी दे आर सेइंग कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन 3 आवर्स। इट इज गिवन, जो भी हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसका मतलब होता है वो हमें गिवन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 1 किलोमीटर के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आई वॉन्ट टू आस्क गर्ल्स, और शैल आई कॉल विनय चौधरी, बॉयज में से 6B विनय चौधरी। वेरी गुड, 1 की कॉस्ट कैसे निकालोगे, 1 का कैसे निकालोगे, 1 किलोमीटर का? वेरी गुड,
प्लीज बताओ बेटा, स्पीक लाउडली, बाय डिवाइडिंग। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये आएगा हमारे पास 90 किलोमीटर में कितने ट्रेवल करेगा, 3/90, 3/90। 90 को कट करोगे, 3 वन 3, 1/30। यस, वेरी गुड, इट इज 1/30 आवर्स। तो हमारी इसमें ऑप्शन मैच कर रही है बेटे, ए ऑप्शन मैच कर रही है। अभी आपके पास मॉड्यूल नहीं है इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे, ए ऑप्शन मैच कर रही है, 1/30 आवर्स। ठीक है, एनी डाउट इन दिस बेटा? वेरी गुड, हमने सिर्फ उसको काटा ही है ना। चलो, वेरी गुड। और अगर मैं इसको मिनट्स में करना चाहूं बेटा, ये तो आपके पास आवर्स में आंसर आ गया है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? थ्री। वेरी गुड, सबको पता है, सबने इकट्ठे ही बताया मेरे को। तो इसको अगर मैं 60 में करना चाहूं तो मैं किसको क्या करूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 मिनट के लिए फिर मेरे को इसको काटना पड़ेगा, 3 वन 3, 3 टू 6, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 मिनट्स। तो ये हमारी ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका मतलब हमारी ए ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें। इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दी हुई थी ए बी और सी, तो ए और बी दोनों ही मैच कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो आवर्स में निकालना है तो ये आंसर आ रहा है 1/30, ए ऑप्शन आ रही है। अगर हमें मिनट्स में आंसर निकालना है तो बी ऑप्शन आ रही है, तो इसलिए ए और बी दोनों ही आंसर है इसके। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे ऑप्शन डी, जो कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, जब आपको मॉड्यूल मिलेगा उसमें आप मार्क कर लेना, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है बच्चे, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं आपके पास ये सिर्फ नीचे वाला रब करूंगी, ऊपर वाला नहीं रब करूंगी, क्योंकि ये चीज तो हमें पहले से ही दी हुई है। सेम क्वेश्चन में हमारी अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, गिवन स्टेटमेंट कॉमन है। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट एक ही है, उसके हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग है। तो फिर से हमारे पास सेम स्टेटमेंट है कि 90 किलोमीटर वो ट्रेवल करते हैं 3 आवर्स में। ठीक है, अभी हमारे पास वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि 30 किलोमीटर में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये, उसी सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि 30 किलोमीटर में हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके, अब आपको पता ही है कैसे करते हैं कि अभी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 90 किलोमीटर टेक्स 3 आवर्स। ठीक है, 1 किलोमीटर टेक्स 3/90 आवर्स, तो 30 किलोमीटर में कितना होगा? ठीक है, 3/90 × 30। अब आपको बेटा ये स्टेटमेंट लिखनी आ गई है, सबको पता चल गया कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है। वेरी गुड, हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसी फॉर्म में बता रही हूँ कि इसको काट के आपने बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। वेरी गुड, डू इट, बहुत ही इजी नंबर्स हैं और सारे नंबर एक ही टेबल में जा रहे हैं, और भी इंटरेस्टिंग है ये तो। वेरी गुड, वेरी गुड, मैनी चिल्ड्रन आर रेजिंग देयर हैंड्स। लेट मी आस्क कमलप्रीत कौर, आर यू देयर? वेरी गुड, आगे ही बैठे हो आप तो, फास्ट, वेरी गुड, कैन यू टेल मी बच्चे? वेरी गुड, काट के क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, क्या आ रहा है बेटा? 1। वेरी गुड, वेरी गुड, आई थिंक सबने कर लिया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, 30। ठीक है, और 30 को जब इससे करोगे तो आपका बस 1 आंसर आ रहा है, 1 आवर। ठीक है, जब इसको काटोगे आपको पता है कैसे काटना है इसको।
ठीक है, 30 by 30 इज इक्वल टू 1 आवर. ठीक है, लेट मी राइट डाउन थर्ड वन ऑल्सो. थर्ड क्वेश्चन इसी का ही थर्ड पार्ट है. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 आवर्स. अभी वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 2 आवर्स है, उल्टा हो गया. अभी ये आपका थर्ड पार्ट है. ठीक है, सेम क्वेश्चन है गिवन सब में. आपको नोटिस हो रहा है बेटा कि गिवन सब में सेम है, सिर्फ हमें अलग अलग चीजें निकालनी है. किसी में वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, किसी में टाइम पूछ रहे हैं. ओके बेटा, या वेरी गुड. तो अभी हमने डिस्टेंस निकालना है. एक दो बच्चे हैंड भी रेज कर रहे हैं, वेरी गुड. अब तो आप एक्सपर्ट हो गई हो, यू नो हाउ टू डू इट. द बॉय हु इज रेजिंग हिज हैंड प्लीज कम फॉरवर्ड. आगे आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड. हाँ वेरी गुड, रेड टी शर्ट. यस आई कैन सी यू. व्हाट इज योर गुड नेम बच्चे? आके नेम बताओ और मेरे को बताओ कि कैसे किया आपने. या वेरी गुड. आंसर इज 60. यस, क्यों? क्योंकि हमने पहले किया कि 3 आवर्स में कितना ट्रेवल किया, 90 किलोमीटर. फिर हमने 1 आवर का निकाला, 90 by 3. फिर हमने 2 आवर्स का निकाला, 90 by 3 into 2. कितना इजी है ये, 90 by 3 into 2. वेरी गुड, 60. प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड, गो बैक. जब आप इसको काटोगे तो इसका आंसर आएगा 60 किलोमीटर. ओके, ओके. बेटे आई वॉन्ट टू आस्क यू योर आई वॉन्ट टू स्पीक टू योर मैथ्स मैम. मैथ्स मैम है वहां पे? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर मैथ्स मैम, क्योंकि मैंने उनसे सिलेबस पूछना था. तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, उसके बाद आई विल स्पीक टू हर. सेम गिवन स्टेटमेंट है, सेम गिवन है, उसका अभी फोर्थ पार्ट है हमारे पास. ठीक है, यस, फोर्थ पार्ट. ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैंने ऊपर गिवन तो हम सेम ही रख लिखा हुआ, गिवन तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टू प्रूव यू क्या हमने फाइंड आउट करना है उसको चेंज कर रहे हैं. क्वेश्चन अलग अलग लगा रहे हैं लेकिन गिवन सेम ही है. इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? वेरी गुड. सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 45 किलोमीटर. नाउ टाइम के नीचे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है और यहाँ पे दे आर आस्किंग 45 किलोमीटर. कितना इंटरेस्टिंग है, सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे फिर से. स्टेटमेंट आपको पता है, जो फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड पे लिखते हैं. मैंने आपको बताया था कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपके पास टाइम है 3 आवर्स. 1 किलोमीटर के लिए आपके पास कितना होगा, 3 divided by 90. एंड देन 45 किलोमीटर के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, 3 by 90 into 45. आई एम गिविंग यू टाइम. ओके, लेट एवरीबडी डू. बेटा सबको करने दो, 2 मिनट में वेट करो, 2 मिनट वेट करो, सबको करने दो. मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख देती हूँ ताकि आपको मैच हो जाए कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं. एक तो है हमारे पास 1 hour 30 minutes, पहली ऑप्शन है. दूसरी ऑप्शन है 1.5 hours. सी ऑप्शन है हमारे पास 90 मिनट्स. और डी ऑप्शन है ऑल. ऐसा हो सकता है कि सारे आंसर आ जाए इसके? हो सकता है ना ऐसा भी? सरप्राइज सरप्राइज हो सकता है ना, कि अपने आवर्स में निकाला तो ये आंसर आ गया, मिनट्स में निकाला तो ये आंसर आ गया, और ये आंसर आ गया. कुछ भी आ सकता है क्योंकि हमें कन्वर्ट करना आता है. यस यस यस, काफी बच्चे दे आर रेजिंग देयर हैंड्स. लेट मी आस्क मन्नत. मन्नत आर यू देयर? अगर आपने कर लिया तो आ जाओ आगे. वेरी गुड, या आप आ जाओ बेटा. यस यस, हु इज स्टैंडिंग? आप आ जाओ आगे. यस टेल मी कितना, 1 आवर.
आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला आपको? वेरी गुड। यस, वेरी गुड। इसका आंसर आपके पास आया था, आपके पास आया था 15/10, 1.5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्टली, ऑल राइट। प्लीज क्लैप फॉर हिम, बहुत ही अच्छा उसने कैलकुलेशन की है। एक चीज सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें? क्या है बेटा, आता तो सबको है, मेरे को पता ही सबको आता है। उसने ये गेस कर लिया कि सब देखने में सेम ही लग रहे हैं, जो आवर्स है वो मिनट्स की तरह ही लग रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1.5 आवर्स। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? बी ऑप्शन करेक्ट होगी। दूसरे केस में अगर मैं इसको 1.5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60 मिनट से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स। आपको पता है बेटा ये आपके पास 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 आवर्स का मतलब यही होता है कि 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है? 1.5 आवर का मतलब ही यही होता है। अब आप बड़े हो रहे हो इसलिए मैं बता रही हूं आपको कि इसको आप गैस भी कर सकते हो। 1.5 का मतलब है 1 आवर 30 मिनट्स, इसलिए ए ऑप्शन भी मैच कर रही है। और जब मैं इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दूंगी पूरे के पूरे को, 60 मिनट प्लस 30 मिनट्स, तो मेरे पास कितने मिनट्स आ जाएंगे? 90 मिनट्स, ठीक है? तो हमारी मेरे का सी ऑप्शन भी मैच कर रही है, सी भी मैच कर रही है। इसका मतलब है कि सारी ऑप्शंस मैच कर रही हैं। तो आपने मॉड्यूल में किसको टिक मार्क करोगे, ए बी सी या डी को? डी को, या इसको सर्कल करोगे आप, इसको टिक मार्क करोगे कि डी हमारा आंसर है, सारी की सारी ऑप्शंस इससे मैच कर रही हैं। ओके बेटे, वेरी गुड। अभी मेरे बेटे आपके मैथ्स के मैम से बात करनी है, प्लीज आप बुला सकते हो एक सेकंड के लिए। Can I speak to ma'am? I'll wait for a minute. Yes. तब तक आप अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन करोगे जो मैंने आपको दिया था। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ताकि आपको घर जाके फिर उसको फेयर करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है सारी, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपने मेरे को आंसर बताए हैं ज्यादा, तो अभी आप मेरे को ये बताओगे कि आपका होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? यू हैव टू जस्ट एंड डू इट नाइसली, पूरी स्टेटमेंट लिख के करना है बेटा। ओके वेरी गुड। यस, किसने बताया? रेज योर हैंड। ओके, डू इट, वेरी गुड। होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, उसकी कैलकुलेशन कर लो। तब तक हम मैम की वेट करते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क योर टीचर कि अभी आप क्या कर रहे हो आजकल क्लास में? क्या कर रहे हो बेटा क्लास में? कौन सा चैप्टर कर रहे हो आप? होल नंबर्स कर रहे हो? ओके ऑल राइट। तो अभी खत्म नहीं हुआ आपका होल नंबर्स? ओके, होल नंबर्स में प्रॉपर्टीज की है बेटे आपने? मैम इज देयर बच्चे? हेलो मैम, आई वॉन्टेड टू आस्क कि आपने होल नंबर्स में प्रॉपर्टीज की है इनकी? प्रॉपर्टीज करवाई है इनको मैम? मैथ्स टीचर इज नॉट देयर? ओके फाइन, आई विल वेट, इट्स ओके। मैम आई एम
Yeah, you have found the answer. Tell me. किसी की आवाज सुनी थी मैंने अभी, somebody was saying कि मैंने I have found the answer. होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर निकल गया है शायद आपका. किसने बताया था मेरे को? आंसर इज यस. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यू डन इट वेरी फास्ट. हु विल टेल मी कि होल नंबर्स में आपने प्रॉपर्टीज की हैं बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है आपने? Who will tell me? Yes or no? Yes. Yes, very good. Yes. Very good. Who is raising her hand? यादव जी की मैम से बात करनी है ना, मैम की वेट कर रहे हैं, मैम से बात करनी है, सिलेबस पूछना था. कौन कौन बिनी मैम? नहीं, इनसे इनकी मैम से, इनके मैम आ रही है, बात कर रही हूँ. मैं देख रही थी इसको, आपने कैसे किया कलर डार्क, कैसे किया, कहाँ से डाली इसकी, कहाँ से डाली, बैक साइड से? बेटे, हैव यू डन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लास में की है आपने? नो? ओके. क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है बच्चे आपने? ओनली क्लोज. ओके ओके राइट. एंड व्हाट अबाउट अदर सेक्शन 6A में आपने की है बेटा? 6 क्लास में, 6A सेक्शन में, हु विल टेल मी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की हैं आपने होल नंबर्स की? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है आपने? ए सेक्शन ने किया ही नहीं है लगता है. ए सेक्शन कौन सा चैप्टर कर रहे हो आप? होल नंबर्स कर रहे हो. ओके. चलो ओके. आपके मैम आ गए या नहीं अभी? नो. चलो इट्स ओके भाई. चलो ठीक है बेटा. ओके देन, मैम इज नॉट देयर. चलो इट्स ओके देन, बाय बाय. बेस्ट ऑफ विश, बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी. बाय बाय. यस.
was asking ki have you done properties in whole numbers? You have done all the properties in whole numbers, you are doing it? Sorry ma'am, I can't hear you. Closure property, commutative property, have you done? This is in syllabus or not? Okay, okay. Right, right. ओके तो ये प्रॉपर्टीज मैम करने की जरूरत नहीं है ना. नो ओके राइट मैम ऑल राइट ओके थैंक यू सो मच थैंक यू बाय बच्चे.